तो जो अच्छा इशू हो, जो भी इशू हो, वो बस कुछ पढ़ेंगे जैसा कि आज हुआ, नहीं होना चाहिए। जब यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाना था, जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के अल्ताफ बुखारी साहब का नाम आगे किया, उस वक्त सजाद साहब का नाम बीजेपी वालों ने भेजा कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाओ, उनके सपोर्ट से बन रहा था। तो ये ड्रामा कर रहे हैं यहाँ आके, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सजाद साहब कभी मोदी जी को बड़ा भाई कहते हैं जब उसको शूट करता है, और जब उसको शूट नहीं करता है तो आके यहाँ लोगों को ये पोज करते हैं कि मैं यहाँ का खेलता हूँ। सब तमाशा चल रहा है। और पीडीपी क्या इस विजन लेके आई है, क्योंकि पीडीपी की वजह से इस रियासत की खराबी हुई। उन्होंने बीजेपी को यहाँ एंट्री दे दी, उसके बाद यहाँ उन्होंने देखा हमने 370 कैसे हटाने, 370 हटाने में भी पीडीपी का जितना रोल है उतना बीजेपी का, और जितना बीजेपी का रोल है उससे ज़्यादा पीडीपी का रोल है। तो ये सब तमाशा चल रहा है यहाँ पर, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने इस बार दिखा के दे दिया कि हमें खोखले नारों पर हम नहीं चलने वाले, झूठ पर नहीं चलने वाले हैं।